शहर के जालौरी बारी से तकिया चांद शाह जाने वाले मार्ग पर सरस बूथ को अतिक्रमण मान हटाने के मामले में नगर निगम शुक्रवार को बैकफुट पर आ गया। स्थानीय लोगों ने जालौरी बारी क्षेत्र में पुतला फूंककर और रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। इससे पहले ही सुबह नगर निगम ने 2 मार्च की तारीख में एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें इस विवादित जमीन को सरकारी जमीन बताते हुए इसकी सब डिवीजन में गलत दस्तावेजों का उपयोग करने की बात मानी और इसके लिए 3 सदस्य कमेटी भी गठित कर दी है। नगर निगम आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह, वरिष्ठ नगर नियोजक राहुल गुप्ता और सहायक विधि परामर्शी मोहर सिंह की कमेटी बनाई, जिसमें बताया गया कि स्थानीय लोगों ने ज्ञापन के जरिए और मीडिया की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि नीलेश खींची ने कूट रचित दस्तावेज पेश करके सरकारी जमीन का सब डिवीजन करवाया है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही अब इस बूथ संचालक और सरकारी जमीन का फैसला होगा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम, भूमाफिया और पुलिस प्रशासन के बीच भ्रष्टाचार का गठजोड़ बताते हुए 3 पुतले बनाए। जालौरी बारी मोड़ पर रास्ता रोककर नारेबाजी करते हुए इन पुतलों का दहन किया गया। साथ ही आरोप लगाया कि नगर निगम भूमाफियाओं का साथ दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी सिर्फ एक पक्षीय कार्यवाही की है, जबकि बूथ संचालक की ओर से दर्ज मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र बोराना, वरुण धनाड़िया, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, गीता भाटी, पार्षद अशोक भाटी, पंकज भाटी, हरीश भाटी, जयप्रकाश राखेचा, महेंद्र छंगाणी, गौरी शंकर बोराना, शिव सोनी, दुष्यंत व्यास, विनोद सोलंकी, गौरव भाटी, रवि भाटी, राजेश निकुम, मनीष गौड़, बूथ संचालक का परिवार व आमजन मौजूद रहे। हमने जो FIR लिखवाई थी उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं। मेरे बड़े पापा और मेरे भाई को लेके चले गए। उसके बाद ये हुआ कि उनकी जमानत होके भी नहीं हुई है और वो 4-5 दिन से वहीं है। मेरे बड़े पापा हमारे सपोर्ट में है तो उनको इस वजह से लेके चले गए कि वो हंगामा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वो हमारे सपोर्ट में, वो सही कर रहे हैं, वो सही का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनको लेके चले गए। हमारे भाई भी हमारे साथ में है। ये बूथ को लेके हुई है कि बूथ हटाओ, तो वो बोल रहे बूथ नहीं हटेगा। वो किराया जमा करवा रहे, बिल भी भर रहे, हर चीज़ कर रहे, फिर भी वो बोल रहे बूथ हटाओ। स्नेहा सोलंकी। आज हमने नगर निगम उत्तर, पुलिस प्रशासन और भूमाफिया जो मिलकर यहाँ जो कब्जा करने आए थे उनके खिलाफ हमने यहाँ आज पुतला दहन कराया। आप सभी को जैसे ध्यान होगा, आप सभी इसके पीछे सूत्रधार है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि नगर निगम ने आज निकाला है कि ये जो कुरचित थी, ये जो कागज़ थे वो सब दस्तावेज गलत थे और उसके लिए आज जांच कमेटी बैठी। तो इतने टाइम क्या नगर निगम सो रहा था? अगर इस गरीब के साथ जोधपुर का आमजन अगर नहीं खड़ा होता तो इसका कैबिन भी हट जाता और ये करोड़ों की जमीन भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं के पास हो जाती। और आप देख लीजिए किस तरीके से भूमाफिया और पुलिस प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई करी। और अब आप देखिए अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है और आम आदमी को उठाकर एक बार में थाने लेकर चले गए। तो मेरा आपके माध्यम से ये पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी है, जिला प्रशासन को ये चेतावनी है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी नहीं करी और इनको रिहा नहीं करा तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा और ये न्याय के लिए ये जंग जोधपुर के आमजन के साथ ये जारी रहेगी। आज हमने ये पुतला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और गुंडों के खिलाफ हमने ये आज पुतला जलाकर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे भी और बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस शहर में भूमाफियाओं से इस शहर को हम मुक्ति दिलाएंगे। और जिस तरीके से इस गरीब आदमी को गिरफ्तार किया है, आप सभी लोगों के सामने इस गरीब आदमी को गिरफ्तार किया है, ये हम सब लोगों के लिए, जोधपुर की जनता के लिए, न्यायप्रिय जनता के लिए ये शर्म का विषय है। और भूमाफिया बाहर घूम रहे हैं, इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। जब तक भूमाफिया गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं और इस प्लॉट के आवंटन में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ये जंग, ये आंदोलन जारी रहेगा। आकाश तो तुमने
ये घटना सरसबूत की आड़ में ये निजी संपत्ति जो सरकार की संपत्ति है उसको निजी हाथों में देने के लिए ये नगर निगम ने यह षड्यंत्र रचा, जो सरसबूत हटा के इस प्लॉट को कब्जा किया जाए। अभी आप 3-4 दिन अखबारों में देख रहे हैं कि रोज के नए स्टेटमेंट आ रहे हैं इन अधिकारियों, नगर निगम अधिकारियों सभी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। JN रिपोर्ट दे रहा है कि ये इसमें बूथ लगा हुआ है, कोई किसी का कब्जा नहीं है, और जो निजी मालिक है वो कह रहा है कि मैं कब्जाधारी हूँ, और ATP की रिपोर्ट और सबकी रिपोर्ट ये संदेह के घेरे में आती है। तो हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इस पर सही कार्रवाई करे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और आज जो आंदोलन किया गया है, ये आंदोलन जो अशोक सोलंकी के द्वारा FIR लिखी गई उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी उस पर ये दो जनों को पकड़ के ले गए हैं इसी के लिए। और अगर ये आंदोलन चलता रहेगा, अगर ये सही कार्रवाई नहीं होगी तो